फ्रेंड्स, आज हम एकदम यूनिक तरीके से मेथी के ये टेस्टी और यम्मी पराठे बनाने जा रहे हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने मेथी के भाजी को तोड़ लिया है और इसे तोड़ने के बाद हमने छन्नी में धोकर इसे रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से निथर जाए। मेथी की भाजी का पानी अच्छे से निथर चुका है तो अब हम मेथी की भाजी को काट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर मेथी की भाजी को इस तरह से बारीक अच्छे से काट लिया है। अब इसे एक बर्तन में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ के आलू को उबाल कर मैंने उसे मैश कर लिया और उसमें लाल मिर्च और नमक डाल दिया था। मेथी और आलू का ये कॉम्बिनेशन के पराठे फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। एक टेबल स्पून भर के हम इसमें बेसन आटा डाल देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें तिल डालेंगे, हाफ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी। इससे पराठे को बहुत ही अच्छा लुक आएगा। एकदम थोड़ा सा जीरा, क्योंकि हमने ज़ीरा पाउडर भी डाला है। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें डालेंगे आटा। हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। 5 से 6 चम्मच हमने यहाँ पर गेहूं का आटा डाल दिया है। 1 चम्मच हम इसमें दही डाल देंगे। 1 चम्मच तेल डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे। इससे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा पराठों का। एकदम थोड़ा सा डालेंगे 1 पिंच काला नमक। इसके लिए हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, मैंने बारीक काट कर डाल दी है इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी स्पाइसेस के साथ मेथी और आलू के ये चटपटे और तीखे पराठे बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनने वाले हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इस तरह से इसे गूंद लेना है। देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से आटा लगा लेना है। इसके बाद हम 10 मिनट के लिए इसे इसके ऊपर ऑयल डालकर इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड, 10 मिनट के बाद हम आटे की एक लोई ले लेंगे और अब इसे हमें बेल लेना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये मेथी का पराठा बेल लिया है इस तरह से और अब तवा गर्म हो चुका है तो अब हम ये पराठा तवे के ऊपर डाल देंगे पराठा इस तरह से। और अब इसे हमें सेक लेना है अच्छे से। तो एक तरफ से ये सिक चुका है तो इसे अब हम पलट देंगे। इसे पलट देंगे और फिर इसे हम देसी घी डालकर हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहो तो तेल डालकर भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अल्टी पल्टी करके हम दोनों तरफ से इसे अच्छे से पहले सेक लेंगे। और यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है फ्राई करने के लिए। तो इसे हम इस तरह से देसी घी डालकर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डालकर तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से हमारा यम्मी टेस्टी और ये मेथी का यूनिक पराठा जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें कि आपको ये मेथी और आलू का यूनिक पराठा और टेस्टी यम्मी और चटपटा तीखा ये पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए कितना देखने में ही यम्मी और टेस्टी लग रहा है ये मेथी का पराठा। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।